दमोह जिले के हिंडोरिया में हुए हादसे के मामले में ट्रक को अब प्रशासनिक अमले स्थानीय लोगों के साथ मशीनरी की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। मालूम हो कि हिंडोरिया में एक ट्रक के 6 फीट की बाउंड्री वाल को तोड़ करके घर में घुस गया था, जिसकी चपेट में आने से एक बच्चा जहां हिंडोरिया के अस्पताल में इलाज करा रहा है, वहीं एक महिला और एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई थी। तो वहीं मशक्कत के बाद, मशीनरी के उपयोग के बाद, प्रशासनिक अमले की मुस्तैदी और स्थानीय लोगों की मदद के बाद ट्रक को अब बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही मलबे को हटाए जाने का कार्य भी शुरू किया गया है। मालूम हो कि सीमेंट से भरे ट्रक के द्वारा जहां 6 फीट की बाउंड्री वाल को तोड़ते हुए मकान में घुसते हुए यह हादसा किया गया था, तो इस मामले पर अब प्रशासनिक के द्वारा भी लगातार मुस्तैदी के साथ जांच की जा रही है। तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इस मामले में जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू किया गया है। वहीं ट्रक को अब बाहर निकाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ एशियन न्यूज के लिए होशियार चक्रवर्ती की रिपोर्ट। आराम से